दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेक। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हुई, परिणाम भी आ गए। रघुवर सरकार को शिकस्त खानी पड़ी और नई सरकार बननी है 29 दिसंबर को, और शपथ ग्रहण करेंगे शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन। लेकिन बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है कि रघुवर सरकार अपने सरकार को भी नहीं बचा पाए, साथ ही साथ स्वयं भी चुनाव हार गए। और उन्हें हराया किसने, यह बड़ी बात है। उन्हें हराया उन्हीं के सरकार के मंत्री सरजू राय ने। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ताल ठोका और उन्होंने रघुवर दास को चुनाव लड़कर हराया, और अच्छे मत से हराकर वो रघुवर दास को पैदल कर दिए। यही नहीं, यहीं पर सरजू राय नहीं रुकते हैं। सरजू राय एक ऐसे शख्स हैं जिनका टिकट भाजपा ने काट दिया, और वो घोटालों को उजागर करने में विश्वास रखते हैं। जैसा कहा जाता है कि पशुपालन घोटाला का भी उजागर सरजू राय ने ही किया था, और लालू जी आज जेल में हैं। मधु कोड़ा जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनके घोटाला का भी खुलासा सरजू राय ने ही किया, जो मधु कोड़ा भी जेल में है। और सरजू राय ने जबरदस्त आरोप लगाया है रघुवर दास पर, और रघुवर दास पर हमेशा उन्होंने सरकार में रहते हुए भी उंगली उठाया और कहा कि आपके शासन काल में तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं, जनमानस के लिए किए गए कार्य सही नहीं हो रहे हैं, कागजी काम करके घोटाला किया जा रहा है। अभी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव झारखंड को एक पत्र लिखा है, और पत्र लिखकर कहा कि अंदेशा यह है कि रघुवर दास जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो अपने घोटाले को छिपाने के लिए कुछ फाइलों को नष्ट करवा रहे हैं। उनके समय में गृह विभाग उन्हीं के हाथ में था, साथ ही साथ पथ निर्माण, ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों में भी घोटाला और घपला रघुवर सरकार के वक्त में हुआ। उन सारी फाइलों को कार्यवाहक मुख्यमंत्री होने के नाते नष्ट करवा रहे हैं, उसे बचाया जाए और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में ही देखा जाए, क्योंकि 29 को हेमंत सोरेन शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच में फाइलों को जलाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, सबूत को मिटाया जा रहा है, ऐसा आरोप सरजू राय ने लगाया है। मैं बताता चलूं आपको कि सरजू राय जमशेदपुर से रांची के लिए चल पड़े हैं, और रास्ते में उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए जमशेदपुर से रांची पहुंचने वाले हैं, और भी कई मामलों का खुलासा करेंगे, ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी होती है। लेकिन बड़ी बात आप यह कह सकते हैं कि सरजू राय सरकार में स्वयं मंत्री थे, और जब उन्हें टिकट नहीं मिली और जब वो निर्दलीय जीत गए, सरजू राय चुनाव हार गए, तो क्या द्वेष के भाव से ऐसा आरोप लगा रहे हैं, या वाकई में सरजू राय के पास कुछ ऐसा सबूत है जिससे रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाला का खुलासा हो सके? क्या उन घोटालों पर से पर्दा सरजू राय उठा पाएंगे? क्या केवल लालू प्रसाद यादव और मधु कोड़ा के लिए ही उनके पास सामग्री थी, या इन लोगों को घोटाले में फंसाने के लिए उनके पास सबूत था? क्या स्वयं जिस सरकार में रहे और जिस सरकार में मंत्री रहे और रघुवर दास पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या
सरयुग राय साबित कर सकेंगे, या क्या सरयुग राय के पास ऐसा कोई प्रमाण या पुरुष ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग या कई अन्य विभागों का है कि वो साबित कर सके कि रघुवर दास के सरकार में रघुवर दास ने घोटाला किया या सरकारी राशि का गबन किया या अन्य तरह का घोटाला हो? साबित करना होगा सरयुग राय को कि अगर ईमानदार छवि के हैं सरयुग राय, और इनके विषय में चर्चा की जाती है कि मुख्यमंत्री को जेल भिजवा देते हैं और घोटाले का इनके पास सबूत रहता है, तो अब इस कार्यकाल में निर्दलीय जीत कर आए हैं, तो अब सरयुग राय साबित करें कि रघुवर सरकार में क्या क्या घोटाला हुआ, और जब वो सरकार में थे तो सरकार के विरोध में क्यों नहीं खड़ा हुए, और खड़ा होकर रिजाइन करना चाहिए मंत्री पद से। 5 साल मंत्री बने रहे, अंत में टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और संजोग से सरयुग राय जीत गए, रघुवर दास हार गए, तो पहले आवाज नहीं उठाए, अब पत्र लिखते हैं आवाज उठाते हैं, तो क्या सरयुग राय में दम है कि वो साबित कर सके? देखना यह होगा कि सरयुग राय रघुवर दास पर क्या क्या आरोप को साबित कर सकते हैं, कौन कौन से विभाग में घोटालों का यह उजागर करेंगे या नहीं करेंगे, या केवल राजनीति स्टंट बनाने के चक्कर में सरयुग राय हैं, या बड़बोलेपन में आगे हैं, या राजनीति में अपने पकड़ और पहचान को बरकरार रखने के लिए ऐसा दाव खेले हैं। अब निगाह लोगों की है कि क्या सरयुग राय ने घपला किया, क्या रघुवर दास ने घपला किया, क्या सरयुग राय के पास सबूत है? है तो सरकार बदलते या शपथ ग्रहण होने के बाद ये खुलासा करें, ये बतावें लोगों को, जनता को और सरकार को सबूत दें, जिससे अन्य मुख्यमंत्री के तरह रघुवर दास पर भी कार्रवाई हो सके। जो भी रिपोर्ट मिलेगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।